आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ फजर की नमाज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि जो लोग फजर का नमाज वक्त पे पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, अल्लाह उनके चेहरे में एक अलग नूर देते हैं जो आपको कभी मेकअप भी नहीं दे सकता। दूसरा, आपको फजर की नमाज के बाद अपना विंडो खुला रखना चाहिए जिससे फरिश्ते अंदर आ सके, क्योंकि वो उस वक्त देखते हैं, आते हैं कौन नमाज पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़ते हैं उनको बहुत सारी नेकियां देके जाते हैं और जो नहीं पढ़ते उनको लन्नत देके जाते हैं। इसलिए फजर का नमाज वक्त पे पढ़ लिया करो। क्योंकि नेक्स्ट फैक्ट ये है कि फजर का टाइम मिस होने के बाद जो टाइम शुरू होता है सनराइज का, उस टाइम पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह उस वक्त नमाज कबूल नहीं करते। अगर आपने वक्त पे नहीं पढ़ा तो आपको दूसरे नमाज के साथ कजा ही पढ़ना पड़ेगा। अब नमाज खत्म होने के बाद जायनमाज से उठने से पहले आपको दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी तो पढ़ना ही है, उसके अलावा आपको अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार पढ़ना है। इससे अल्लाह आपको कब्र के अजाब से बचाएंगे। ये तौबा की दुआ जो है इसको आपको 11 बार सुबह और 11 बार शाम को पढ़ना चाहिए। इससे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करते हैं।